हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज श्वेता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल ऑल्टर योर सेल्फ. स्वागत है आप सभी का द वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में. स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन. सो पहला वर्ड है एजाइल. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है फुर्तीला. ठीक है, यानी कि जब हम कोई काम जल्द अच्छे से स्पीड में करते हैं, फुर्तील तरीके से करते हैं. ठीक है, इसे हम एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. अच्छा, जब हम किसी को फुर्तीला कहते हैं तो क्या होता है, वो उसकी विशेषता होती है ना, तो इसीलिए इसको हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे एजाइल को? अच्छा, जब आप लोग मोटिवेटेड हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो क्या भावना आती है आप लोगों के अंदर से, कि अब तो आग लगा देंगे. ठीक है, अब तो ये जो तो कोई भी काम होता है बहुत ही, फिर क्या करते हो, बहुत ही स्पीड में करते हो, बहुत ही कहने का मतलब बहुत ही एक्टिवली करते हो. ठीक है, तो उससे याद रख लो आग, इसमें आग का सेंस आ रहा है, इससे आप याद रख लो. ठीक है, आते हैं आगे इसके सिनोनिम्स पर. निम्बल कैसे याद रखोगे आप? नींबू पानी से याद रखोगे. देखो, इसमें नींबू का सेंस आ रहा है. जब आप बाहर गर्मी में बाहर से आते हो तो क्या रहता है, तो आप लोग बहुत ही कहने का मतलब बिल्कुल पस्त होते हो उस टाइम, मतलब कोई काम करने की स्थिति में नहीं होते हो. ठीक है, लेकिन जहाँ नींबू पानी मिला वहाँ आप क्या हो जाते हो, चार्ज हो जाते हो. ठीक है, कोई भी काम फिर दोबारा से उसी आप उसी तरीके से एक्टिवली करते हो. ठीक है, तो नींबू पानी से याद रखो कि नींबू पानी मिलने के बाद क्या हो जाते हो, निम्बल हो जाते हो. ठीक है, क्विक का तो सबको मतलब पता है. ठीक है, आगे आते हैं स्विफ्ट पर. स्विफ्ट को कैसे याद रखेंगे आप? देखो, जो सुई सुना है, सबने सुना होगा सुई, नेडल वाली. तो अब देखो यार, सुई का क्या सीन है, जब कोई कोई आलसियों की तरह लेटा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सुई लगा दी, वो एकदम से एक्टिवली उठ के बैठ जाएगा. मतलब उसको लगेगा ना, तो वो उठ के बैठ जाएगा एक्टिवली, तो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एकदम एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पर. ठीक है, तो स्विफ्ट किससे याद रखोगे? सुई से याद रखोगे. सुई लगाने के बाद क्या हो जाता है, बंदा स्विफ्ट हो जाता है. ठीक है, एक्टिव हो जाता है. प्रॉम्प्ट कैसे याद रखोगे? देखो, ये प्रो वर्ड है. गेम्स वगैरह में आजकल ये वर्ड बहुत यूज होता है. प्रो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि भाई, जो गेम में अच्छा खेलते हैं वो अपने आप को प्रो बोलते हैं. ठीक है, तो यानी कि गेम में वो क्या करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक्टिवली खेलते हैं, बहुत ही सही तरीके से खेलते हैं ना, तो उससे याद रख लो प्रॉम्प्ट को. ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रिस्क पर. इसको कैसे याद रखोगे? ब्रिस्क को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, उसमें क्या आ रहा है, ये बी है, बी डबल ई वाला बी लो. ठीक है, बी प्लस रिस्क. अब जब बी से रिस्क होगा तो आप क्या करोगे, तो आप एक्टिवली भागोगे. ठीक है, क्विकली भागोगे, तो उससे आ रहा है, क्विक वर्ड आ गया, तो इससे याद रख लो. बी से रिस्क की वजह से क्या हो गया आप, मतलब कोई काम ब्रिस्क तरीके से कर रहे हो. ठीक है, चलो अब आते हैं इसके एंटोनिम पर. सोपोरोफिक यानी कि आलसी. सोपोरोफिक का मतलब क्या हो गया? आलसी हो गया. इसके एंटोनिम क्या होंगे? आलसियों वाले होंगे. ठीक है, यहाँ पर बहुत क्विकली काम कर रहा है कोई भी, यहाँ पर बहुत ही आलसी है. ठीक है, तो सोपोरिफिक क्या होता है? आलसी होता है. याद कैसे रखेंगे आप? सो बोर है, सो बोर समझो. ठीक है, मतलब एज सो बोर लो, सो बोर, सो बोरिंग. ठीक है, जब भी कोई कहने का मतलब है, कोई लेक्चर, जैसे कि शायद आपको यही लेक्चर बोरिंग लग रहा हो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ ना लगे, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो क्या रहेगा, जब आप ये लेक्चर ले रहे होगे, मतलब अगर ये बोरियत लग रहा है तो क्या बोलोगे? सो बोरिंग. और लेते लेते ही क्या हो जाओगे? सो जाओगे आलसियों की तरह. ठीक है, तो सोपोरोफिक ऐसे याद रख लो. ठीक है, सोपोरोफिक, सो बोरिंग. ठीक है, सो बोरिंग से याद रख लो. लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? लेथार्जिक का मतलब भी होता है जो भाई बहुत आलसी होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. याद कैसे करोगे? लेट हर, लेट आया, हार है, एच ई आर ई हर, हर वो एच ई आर वाला हर लो. ठीक है, लेट हर गो, जी से गो बना दो. ठीक है, उसको जाने दो भाई, मैं मुझे जो आलसी लोग नहीं होते क्या कहते हैं, भाई उसे जाने दो, मैं नहीं जा पाऊँगा. ठीक है, कहने का मतलब वो आलसी हैं इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं. लेट हर गो कह देते हैं कि मतलब उसको जाने दो भाई, मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी एक्स वाई जेड. ठीक है, तो इससे याद रख लो. लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी आलसी होता है. मम्मी वगैरह जो होती हैं वो लिस्ट थमाती हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, भाई थोड़ी लिस्ट लेस करो, लिस्ट में से जो आइटम थोड़े लेस कर दो. ठीक है, क्योंकि क्यों कहते हैं वो, भाई इतने आलसी होते हैं वो दो चक्कर नहीं लगा सकते. ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं लिस्ट को क्या कर दो, लेस कर दो. तो लिस्ट लेस किससे याद रखोगे? लिस्ट को लेस करने से याद रखोगे. ठीक है, लैंग्वेज अपने आप याद रखना पड़ेगा, इसका कोई निमोनिक नहीं बना, सॉरी.
आगे आता है लैक्स। लैक्स का मतलब तो सबको ही पता है क्या होता है, आलसी होता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हमारे रिवीजन पार्ट पर। जो भी मैंने कल के वर्ड्स कराए होते हैं वो मैं यहाँ क्या करवाती हूँ, रिवीजन करवाती हूँ, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भाई चीज़ें दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो कोई चीज़ हमें अनक्लियर होती है, ठीक है। अब इनके हम निमोनिक्स नहीं बताएंगे, निमोनिक्स अगर आपको देखने हैं तो आप क्लास में जाकर के देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब मैंने वहाँ पर भी निमोनिक्स बताए, फिर मैं यहाँ पर भी वही रिवीजन में बता रही हूँ, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का इसलिए। अच्छा ये वेक का मतलब क्या होता है, वेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी अनक्लियर होता है, ठीक है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, क्या बताया था ल्यूसिड का, सीआईडी से बताया था, सीआईडी कोई भी केस हो क्या कर देती है, क्लियर कर देती है, ठीक है। ल्यूसिड का मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेब्यूलस का मतलब क्या होता है, नेब्यूलस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी अनक्लियर होता है। एसोट्रिक क्या बताया था, ईश्वर की ट्रिक जो होती है बहुत घूमी फिरी होती है, वो बहुत ही क्या होती है, मतलब वो उसको इजिली मतलब रिकोगनाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब पहचान नहीं पाते हैं भाई ईश्वर की ट्रिक बहुत घूमी फिरी होती है। कोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट क्या होता है, इसका मतलब क्लियर होता है, ठीक है। रिकंडाइट क्या होता है, दोबारा से कंडक्ट करवा, क्योंकि एग्जाम क्या वो जो सेशन था वो क्लियर नहीं था, रिकंडक्ट से बताया था, रिकंडक्ट करवाओ क्योंकि सेशन क्लियर नहीं था, इसका मतलब क्या हो गया, रिकंडाइट का मतलब हो गया अनक्लियर, ठीक है। आर्टिकुलेट क्या हो गया, आर्टिकुलेट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लियर, अगर इसके पीछे इन लग जाता है, इन आर्टिकुलेट हो जाता तो क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब हो जाता है अनक्लियर, लेकिन ये सिर्फ आर्टिकुलेट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा क्लियर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर, एक सेकेंड, इम्प्लिसिट का मतलब क्या था, अनक्लियर था, वेक अनक्लियर, नेब्यूलस क्या था, क्लियर था या अनक्लियर था, अनक्लियर, एसोट्रिक अनक्लियर था, कोहेरेंट ये भाई क्लियर था, रिकंडाइट ये भी अनक्लियर था। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अनक्लियर वाले हैं, वहीं ल्यूसिड क्लियर होता है, कोहेरेंट क्लियर होता है, और आर्टिकुलेट भी क्लियर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई याद रहनी चाहिए आप लोगों को। आते हैं आगे, सो वन हु हैव टू और मोर स्किल, ये वो आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूट है जो मैं करवा चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अपने आप को भी चेक करते रहा करिए कि आप जो चीज़ याद कर रहे हो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं आता है तो आप सर्च करके या अपने नोट्स में जा करके देख करके टाइप कर यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर आप डाल देना, ठीक है। इससे ये होगा, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। सो गाइज इफ यू लाइक द सेशन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।